अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए बेटा, क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, जो कल हमने कंप्लीट किया वीडियो लेक्चर में, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, जो क्वाड्रिलेटरल का दूसरा पार्ट आता है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के दूसरी एक्सरसाइज जिस पर स्टार्ट होती है, तो वही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज इधर इट इज 7.2 और इट इज 6.2, देयर आर टू डिफरेंट एडिशंस ऑफ द बुक। सो व्हाट एवर इट इज, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस सेकेंड एक्सरसाइज इज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, PQRS आर इट्स मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ABBCCD एंड AD रेस्पेक्टिवली। AC इज इट इज डायगोनल एंड शो द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर वन, SR पैरेलल AC। नंबर टू, PQ इज इक्वल टू SR। नंबर थ्री, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आप अपनी अपनी बुक सामने रख के ये क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन इज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। लेट अस ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट। इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में हमें दिया है PQR एंड S आर द मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन फिर से मैं बता दूंगा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली। आगे ये कहता है AC इज द डायगोनल, AC इज द डायगोनल, ओके, शो दैट SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसका मतलब है SR को भी ज्वाइन करना है, PQ को भी ज्वाइन करना है, बिकॉज द लास्ट पार्ट सेज इज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है PQR, QR को भी ज्वाइन करना है एंड PS को भी ज्वाइन करना है। तो ये फिगर इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब ये क्वेश्चन फिर से हम लिखेंगे गिवन इस क्वेश्चन का, व्हाट द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इज। एक तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन में है, मैं लिखूंगा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये है गिवन, इन विच ये क्वाड्रिलेटरल किस तरह दिया गया है, इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। बिलतरतीब, पहला पॉइंट पहले साइड का मिड पॉइंट, दूसरा पॉइंट दूसरे साइड का मिड पॉइंट, थर्ड पॉइंट थर्ड साइड का मिड पॉइंट, फोर्थ साइड का मिड पॉइंट। इतना ही नहीं, AC, PQ, QR, RS एंड SP आर जॉइनड, ये गिवन में ही ज्वाइन हुए हैं, तब जाके तो हम कह सकते हैं ना ये गिवन इसलिए है बिकॉज वी हैव टू प्रूव SR पैरेलल AC। तो इसका मतलब हो गया SR जब तक ज्वाइन नहीं हुआ है तब तक ये नहीं पूछेगा। या ये कहता है PQ पैरेलल AC, PQ इज ज्वाइनड एज पर द गिवन कंडीशन, या एज पर क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड टू शो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। What does it mean? It means PQ, QR, RS and SP. All these are joined. Is it clear? So, this is given complete. What we have to prove? We have to prove the following parts. The parts are part number one. SR parallel AC and SR is equal to half of AC. ये पहला part है।
दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, पार्ट नंबर टू, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पार्ट नंबर थ्री में हमें क्या प्रूव करना है, पार्ट नंबर थ्री में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आ गया क्वेश्चन का। अब ये तीनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें एक प्रूफ लिखना है, तो चलिए मैं अब प्रूफ दिखाऊंगा आपको इसका। तो ये गिवन पहले लिखेंगे, फिर टू प्रूव ये बुक पर ही लिखा है, अब प्रूफ आप लोगों का काम है जो मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह लिखना होता है। प्रूफ लिखने से पहले जो पीछे ट्रायंगल्स में या स्कूल में ही मैं आपको बता रहा था, जब भी आपको किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का प्रूफ लिखना होता है तो आप हमेशा टू प्रूव को गाइड मानिए। टू प्रूव आपको कहेगा कि कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, कौन सा सेटअप लेना है। तो टू प्रूव का पहला पार्ट है वी हैव टू प्रूव एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो ये पैरेलल एंड हाफ मिड पॉइंट थ्योरम का आइडिया है हमारे पास, एंड मिड पॉइंट थ्योरम इज बेस्ड इन अ ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल यहां पर लेंगे, मैं वही लिखूंगा इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल मैंने यूज करना है जिसमें एस एंड आर मेंशन होंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इज इट क्लियर, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसकी मिड पॉइंट है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली, इज इट क्लियर, देयर फोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो एस आर इज द लाइन सेगमेंट ऑफ द टू साइड जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड एंड दिस एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं लिखूंगा एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूव। पहले पार्ट में यही प्रूव करना था, प्रूव दैट एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो समझ गए ना आप, ये इजी है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट है, हमें ये प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये पी क्यू एस आर के बराबर कैसे आएगा। देखिए बेटा, मैं यहां पर लिखूंगा इसका नाम नंबर वन, नाउ इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल मैं लेता हूं जिसमें पी एंड क्यू मुझे अवेलेबल होंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ टू थर्ड साइड, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दिस इज नंबर टू। अब देखो बेटा, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू में क्या है, आपको एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, फ्रॉम वन एंड टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड
PQ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये जरा देखिए, SR हाफ है AC का और PQ हाफ है AC का, तो इसका मतलब हो गया SR एंड PQ दे आर इक्वल, देयरफॉर SR इज इक्वल टू PQ। दिस इज पार्ट नंबर सेकंड। ऑल्सो एक और चीज हमें इसमें मिलती है, एस आर इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC, वही मैं लिखूंगा। ऑल्सो एस आर पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एस आर पैरेलल PQ, एस आर पैरेलल PQ, एस आर इज इक्वल टू PQ। नंबर इक्वेशन नंबर ए, एस आर पैरेलल PQ, दिस इज बी। अब जरा देखो, एस आर एंड PQ, बट दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQ आर एस। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, सच ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल है PQ आर एस, इसमें पी क्यू एस आर के साथ पैरेलल है और पी क्यू एस आर के साथ इक्वल भी है, तो इसका मतलब है कि ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम। मैं लिखूंगा यही, आगे अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, एज आई विल इरेज दिस पोर्शन हियर। अगले पॉइंट में मैंने क्या मेंशन करना है, एज एस आर एंड पी क्यू आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी, तो ए और बी हमें क्या समझाता है, ए में हमें मिलता है कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल है और बी में हमें मिलता है कि यही अपोजिट साइड्स पैरेलल है। फ्रॉम ए एंड बी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट आई विल इरेज दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर टू इज, आई विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बुक एंड यू ऑल्सो विल सी इट फ्रॉम यूर ओन बुक। ए बी सी डी इज रोम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो पहले मैं एक रोम्बस बना रहा हूं, जब भी रोम्बस बनाना होगा क्वेश्चन नंबर टू रोम्बस के लिए, सबसे पहले मैंने आपको ये सिंबल दिखाया है कि आप एक प्लस साइन बनाएंगे, ठीक। इस प्लस साइन में ये साइड्स बराबर, यहां ये पोर्शन लगभग लगभग बराबर होने चाहिए, तो ये डायगोनल्स होंगे रोम्बस की विच बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। ये जॉइनिंग करनी है, इस जॉइनिंग के बाद इसका नाम मैं ए बी सी डी रखता हूं। ये क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, शाबाश। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। What we have to show, PQRS is a rectangle. तो इसका मतलब है PQ, QR, RS and PS, they are joined to each other. अब हमें प्रूव करना है PQRS is a rectangle. तो मैं ये पॉइंट आपको बता दूंगा कि PQRS rectangle का मतलब हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल PQRS must be a parallelogram. तो वही रेक्टेंगल, वही पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल जिसका एक एंगल 90 होता है। पी क्यू आर एस
पहले तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके बाद हमें इसका एक एंगल 90 के बराबर दिखाना है यहां पर। ये एंगल होना चाहिए 90, ठीक है ना। तो अगर ये 90 हो गए, पहले ये पैरेललोग्राम फिर ये एंगल 90 के बराबर करके देना है मुझे, तब जाके मैं कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। फर्स्ट यू विल राइट गिवन, जो आप खुद लिखेंगे लेकिन मैं यहां पर डिक्टेट करूंगा। यू जस्ट स्टार्ट टू राइट ऑन योर रफ कॉपी। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, आप अपनी अपनी रफ कॉपी निकालिए। तो रफ कॉपी पर आप पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ बुक पर ही है और प्रूफ मैं दिखाता हूं। तो गिवन में क्या करना है आपको, यू स्टार्ट टू राइट, यस गिवन। ए मैं भी आपके साथ लिखूंगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी आर जॉइनड। ये हो गया इसका गिवन। इसके बाद आपने टू प्रूव लिखना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्ट एंगल। ये रेक्ट एंगल होना चाहिए, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा, रेक्ट एंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल। तो इसका मतलब है मैंने पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम दिखाना है, फिर पी क्यू आर एस मैं एक एंगल 90 के बराबर करके देना है, तब जाके ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ये आ गया गिवन एंड दिस इज टू प्रूव। आई होप दैट यू माइट हैव फिनिश्ड एंड लेट अस स्टार्ट टू राइट द प्रूफ। अब इसका प्रूफ देंगे। तो प्रूफ के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो मैंने अभी बता दिया आपको, मैं पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बनाऊंगा। आई विल यूज मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों, मुझे क्यों आइडिया आता है कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करूंगा? मुझे ये आइडिया इसलिए आता है क्योंकि यहां पर पी एंड क्यू दीज आर द मिड पॉइंट्स, आर एंड एस दीज आर द मिड पॉइंट्स। तो यही वजह है कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो चलिए, ए बी सी, इंट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रेंगल, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। पी किस साइड का मिड पॉइंट है, ए बी, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम उस वक्त आप यूज करेंगे जब आपको ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं। मैंने इसलिए ट्रायंगल लिखा है एबीसी, इसी ट्रायंगल एबीसी के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स की जॉइनिंग है, विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू। बताइए पी क्यू किसके साथ पैरेलल होगा, पैरेलल ए सी, एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। दिस इज नंबर वन। सिमिलरली अगर आप समझ पाएंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल है,
क्या इस ट्रायंगल एडीसी में मैं एस आर को एसी के साथ पैरेलल कर सकता हूं? यस, बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट. अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी. मैंने सिमिलरली जो लिखा बिल्कुल इसी तरह, इन ट्रायंगल एडीसी एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. सिमिलरली का मतलब यहां पर होता है सेम बाई मिड पॉइंट थ्योरम. तो ये दो कंडीशन जरा देखिए, एस आर एंड पी क्यू, दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. तो एक क्वाड्रिलेटरल के जब अपोजिट साइड कोई एक पेयर पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं. तो वही मैं लिख रहा हूं, एज एस आर एंड पी क्यू आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू वी गेट व्हाट? वी गेट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल. फ्रॉम वन एंड टू वी गेट व्हाट? वी गेट एस आर पैरेलल ए सी एंड दिस पी क्यू पैरेलल ए सी, देयरफॉर एस आर पैरेलल पी क्यू. एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू. देखो बेटा, एस आर ए सी का हाफ है और पी क्यू इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी. तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. तो ये आ गया पहला पॉइंट, हमने प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. तो अब दूसरा पॉइंट इसका है, अब इस पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 के बराबर होना है, इधर पी क्यू आर एंड एस, एनी वन ऑफ दीज एंगल्स इफ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन इजिली से दैट व्हाट इट इज अ रेक्टेंगल. तो चलिए अगला स्टेप इसका. तो अब आगे हम क्या कर रहे हैं वो जरा देखते जाइए. अब मैं पहले ए बी सी डी पर ही आपको लेके जाऊंगा. ए बी सी डी, दिस इज अ रोम्बस बेसिकली, एंड वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ये डायगोनल्स का बाइसेक्शन है, लेट इट इज ओ. तो यहां पर ये एंगल कितना होना है 90. मैं यहां पर ये इस पॉइंट का नाम कुछ और रखता हूं, इसका नाम मैंने रखना है एल एंड इसका नाम मैं रखता हूं एम. अब मैं आपको कहूंगा वी नो व्हाट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. तो क्या इसका मतलब है ना कि पी एम पी क्यू का पार्ट है और एल ओ ए सी का पार्ट है, तो पी एम एल ओ पैरेलल है आपस में, है ना? इसी तरह मिड पॉइंट थ्योरम से ही एस पी इज पैरेलल टू डी बी. ये मिड पॉइंट थ्योरम, एस पी इज पैरेलल टू डी बी. एस पी का पार्ट है ना एल पी और डी बी का पार्ट है ना ओ एम, तो ये एल पी एंड ओ एम भी पैरेलल हो गए. When PM is parallel to LO, LP is parallel to OM, तो ये क्या हो गया PMOL, ये क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल O, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बट एंगल O इज इक्वल टू 90. दिस इज द एंगल एट एंगल एट सेंटर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, देयरफॉर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. लेकिन ये एंगल पी पी क्यू आर एस का एंगल है और जो पी क्यू आर एस हमने प्रूव कर दिया एक पैरेललोग्राम है,
किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाता है। इज इट क्लियर? वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही नहीं, वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उस स्क्वायर के लिए दूसरी चीज है, उसके सारे साइड्स फिर इक्वल करने होते हैं। यहां पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो सारे साइड्स को इक्वल नहीं करना है। चलिए आगे। एज पी क्यू पैरेलल एसी, देयरफॉर पीएम इज पैरेलल टू एलओ, बिकॉज पीएम इज द पार्ट ऑफ पी क्यू एंड एलओ इज द पार्ट ऑफ एसी। क्लियर? सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह क्या मैं करूं, एल पी इज पैरेलल टू ओ एम, एल पी पैरेलल ओ एम, बट पी एम एल ओ, एल पी एंड ओ एम, बट दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एल। पी एम ओ एल क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये है पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी एम ओ एल इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ओ, एज एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसलिए एंगल ओ 90 है। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल पी इज द, पहले मैं यहां थोड़ा सा इरेज करूंगा टू मेक ए स्पेस, बट एंगल पी इज द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अभी मैं कहता था कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो वो सबसे पहले आप रेक्टेंगल मानेंगे, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह ये क्या बन गया, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल आ गया। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर टू। अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। थोड़ा सा घर में आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की, मैं फिर भी कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह, दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में इसको लाना। वो बिल्कुल इसका कन्वर्स है। यहां पहले एबीसीडी दिया है रोम्बस, वहां एबीसीडी दिया होगा रेक्टेंगल। यहां हमें पी क्यू आर एस रेक्टेंगल प्रूव करना है, वहां हमें पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही विदाउट यूजिंग एनी सोर्स, एंड आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।